दोस्तों स्वागत है आपका आज देश भर की टॉप न्यूज में। दोस्तों आज हो चुका है 7 जनवरी 2021, तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 29 दिन बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में कोई भी विशेष हलचल नहीं है, इसके बावजूद कल कच्चे तेल के बाजार में आग लगी। जी हां, डीजल की कीमत में 25 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं पेट्रोल की कीमत भी 24 से 26 पैसे तक बढ़ी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कितनी संपत्ति है और वह उस पैसे को क्या करते हैं, कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? तो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल 2,85,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति है। जी हां, दरअसल साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 2,40,00,000 रुपए थी। ऐसे में हाल ही में 30 जून 2020 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में 36,00,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने खुद ही अपनी संपत्ति की घोषणा की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सभी कैबिनेट को ऐसे घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के तहत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी किया। पीएम मोदी की संपत्ति के तहत उनके बैंक, डाकघर तथा कुछ अन्य जगहों पर निवेश की कमाई को लेकर यह ब्यौरा जारी किया गया है। उनकी कमाई का एक बड़ा टर्म डिपॉजिट और फिर सेविंग अकाउंट में जमा है। जी हां, बैंक में डिपॉजिट ने उन्हें 3,30,000 रुपए मिले हैं, इसके तहत उनकी संपत्ति में यह बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दूं कि पिछले साल की चल अचल संपत्ति के आंकड़ों के मुताबिक आगामी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल अचल संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पीएम मोदी के नाम पर गांधीनगर के सेक्टर में 3331 वर्ग का एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 1,10,00,000 रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी लोन नहीं है और ना ही उनके पास कोई निजी कार है। जी हां, कोई भी गाड़ी नहीं है। बात गोल्ड इन्वेस्टमेंट की करें तो पीएम मोदी के पास गोल्ड के तौर पर कुल 4 अंगूठियां हैं, जी हां, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए है। दोस्तों लव जिहाद का मामला इन दिनों देश में गरमाया हुआ है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद पर बना कानून की समीक्षा करने पर राजी हो गया। जय कोर्ट ने हालांकि कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में बने लव जिहाद कानून की वैधता को चुनौती देने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आपको कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल वैसी शादी के लिए किया जाता है जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष धर्मांतरण के इरादे से किसी महिला से शादी कर लेता है। जी हां, इसके साथ ही वह उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। आपको बता दूं कि यह शब्द लव जिहाद कैसे प्रयोग किया गया और यह पहली बार इजाद कब हुआ। तो आपको बता दूं कि साल 2009 में केरल और कर्नाटक के कैथोलिक और हिंदू समूहों ने आरोप लगाया था कि उनके समुदाय की महिलाओं का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराने का कुछ काम लोग कर रहे हैं। इस के बाद लव जिहाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल देखने को मिला, यानी कि यूं कहे कि लव जिहाद शब्द का इजाद हुआ। दोस्तों आज हम देश की मशहूर कथावाचक जया किशोरी के बारे में बात करेंगे। जी हां, जया किशोरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बेहद कम उम्र में उनके लाखों प्रशंसक है। जी अपने भजनों और कथा वाचन के लिए देश विदेश में चर्चित जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीकर भी है। जी हां, वे जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर सलाह देती है। अपने प्रशंसकों के बीच किशोरी जी के नाम से चर्चित जया किशोरी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती है। जी हां, और प्रशंसकों से बातचीत भी करती रहती है। जी हां, उनके सवालों का जवाब देती है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी जया किशोरी की तरह ही उनकी छोटी बहन चेतना शर्मा भी भजन गाया करती थी। जी हां, चेतना की आवाज भी जया किशोरी की तरह ही मीठी और फिर मधुर है। जी हां, चेतना ने बड़ी बहन जया किशोरी के साथ आस्था और संस्कार जैसे चैनलों पर साथ कई भजनों की प्रस्तुति दी है। दोस्तों जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव दिलचस्प रुख लेता जा रहा है। जी हां, बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सीधी जंग की तैयारी होती जमीन पर हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं। जी हां, ओवैसी का सियासी सितारा इन दिनों बुलंदी पर है और उसी बुलंदी के भरोसे वे ममता के घर में अपनी ताकत आजमाने का ऐलान कर चुके हैं। जी हां, इस वक्त पश्चिम बंगाल का एक चुनावी पासा मुस्लिम राजनीति की चौसर पर फेंका जा रहा है। पहले तो इस लड़ाई में ममता बनर्जी की टीएमसी और
बीजेपी ही थी, लेकिन अब नई एंट्री ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ले ली है। जहां रविवार को असदुद्दीन ओवैसी बंगाल गए और फिर वहां से लौट भी गए, लेकिन बंगाल के कई राजनीतिक धुरंधरों की नींद भी हराम कर गए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि आते जाते रहते हैं ऐसे लोग, लेकिन वही बीजेपी को लगता है कि ओवैसी जितना जोर लगाएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी अब ममता को मात देंगे, इसलिए ममता की धड़कनें अब बढ़ गई है। दोस्तों, झारखंड के आदिवासी समुदाय अपने अलग धर्म की मांग को लेकर एक बार फिर से मुखर हैं। जी हां, झारखंड दिसोम पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लोगों ने मंगलवार को सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। हालांकि राज्य में सत्ता में आते ही हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा चुनाव में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल सर्वसम्मति से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। जी हां, झारखंड सरकार ने कहा था कि इसके जरिए आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक आजादी की रक्षा की जा सकेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। झारखंड पार्टी के प्रमुख सालखन सोरेन का कहना है कि साल 2021 में होने वाले जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, इससे झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आदिवासियों को एक अलग धर्म की पहचान मिल पाएगी। झारखंड के सरना आदिवासी इस मांग को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, वे मांग कर रहे हैं कि जनगणना में उनके आगे हिंदू ना लिखा जाए। हिंदू धर्म से उसे कोई लेना देना नहीं है और उनका धर्म सरना धर्म है। इस समुदाय के लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। जी हां, हेमंत सोरेन खुद सरना समुदाय ऐसे आते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करके केंद्र के पाले में डाल दिया है। जी अब इसे अमलीजमा पहनाने और फिर इसे लागू करने का काम केंद्र सरकार के पास है। केंद्र की मंजूरी के बाद ही सरना धर्म कोड को चुनने का अधिकार जनगणना में आदिवासियों को मिल सकेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। जी और किसानों की बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर रैली यानी कि आज ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना है। जी हां, भारत किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तरुण भारद्वाज ने बताया कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान गुरुवार को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उन्होंने बताया कि किसान आज चिल्ला बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकालते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचेंगे। दोस्तों, 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित फुरफुरा समीप के मौलाना पीर ज़ादा अब्बास सिद्दीकी से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिले तो वहां की राजनीति में एक नया सनसनीसी मच गई थी, क्योंकि ये वही मौलाना है जिन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी का साथ देकर लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंकने में उनकी मदद की थी। लेकिन करीब 28% मुस्लिम आबादी वाले पश्चिम बंगाल में इस समुदाय पर तगड़ी पकड़ रखने वाले सिद्दीकी ही अब ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कस चुके हैं। जी हां, इसके लिए वे अकेले असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता के भरोसे नहीं है, वे कांग्रेस और CPM के भी संपर्क में हैं, क्योंकि उन्होंने हर साल में TMC को हराने के लिए ठान ली है। फुरफुरा शरीफ वाले पीर ज़ादा अब्बास सिद्दीकी आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी हां, इसके लिए AIMIM के अलावा CPM, कांग्रेस के साथ ही कई दलित आदिवासी और मटुआ संगठन भी बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।